ए देखो पीकॉक। हाय, हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। और एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मेरा पास तो यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ पर बहुत सारा वो पिंक कलर का और क्या बोलता है उसको, कागज़ का फूल ऐसा कुछ नाम देता है उसका, पता नहीं उसका हिंदी में क्या बात, मतलब हिंदी में क्या आता है। तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसा है, देख रहे हो ये सारा बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इससे ही समझाने की कोशिश करूँगा जो कैसे एक फ्लावर पॉट का भी सिंपल टाइप का ले सकते हैं और क्या क्या सेटिंग यूज़ कर सकते हो आप प्रो मोड में, और यही बात है। तो देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट पिक्चर होगा हमारा यहाँ का जो पिंक कलर का फ्लावर है। तो देख रहे हो यहाँ पर फ्लावर है, बैकग्राउंड में फ्लावर है और लाइट है बैग में। तो हम कोशिश करेंगे पोर्ट्रेट मोड से ऐसा आएगा और फोकस इसमें आएगा। तो पहले मैं शटर स्पीड चेंज कर लेता हूँ क्योंकि लाइट ज़्यादा कम होना चाहिए और फोकस इस मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं मैनुअल फोकस यूज़ करूँगा। ओके, मैनुअल फोकस। ओके, थोड़ा सा सही लग रहा है। हाँ, ये सही है, अच्छा लग रहा है। आइडिया सोचा है, आइडिया ऐसा होगा जो ए है ब्लू रॉड में रहेगा और फोकस रहेगा सामने का ए वाला, तो ए वाला फोकस में रहेगा, बैकग्राउंड में वो शेडो आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखते हैं क्या आता है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैनुअल सेटिंग क्योंकि फोकस में बहुत प्रॉब्लम होता है, लाइट भी इधर उधर करना पड़ता है। तो पास का फ्लावर में ज़्यादा पास कैमरा रखो तो वो ब्लू रॉड में रह जाएगा, दूर का फोकस में रखो, और पीछे बैकग्राउंड वो शेडो ब्लैक शेडो लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं क्या आता है। ओके 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 ओके, थोड़ा सा इधर लो, हो गया। यहाँ पर मुझे ब्राउन कलर का फ्लावर मिल गया, तो देख रहे हो बैकग्राउंड में लाइट है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं फोकस रखूँगा ये फ्लावर पे, हाँ फोकस आ गया, देख लो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है भाई। पोर्ट्रेट मोड में मैं लेता हूँ शॉट और फोकस में ये रहा, वाओ बहुत अच्छा लग रहा है। ये देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारा पिंक फ्लावर है और लाइट भी सही है, मॉर्निंग लाइट। तो देखते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। वो आइडिया ऐसा होगा कि पास में जो फ्लावर होगा फर्स्ट वो उसमें फोकस रहेंगे और बाद बाकी पीछे फ्लावर बहुत ब्लू आर में रहेंगे, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फोकस कहाँ है भाई, मैं आ रहा था, देखो तो ये फ्लावर है, बैकग्राउंड में है शेडो आएगा, तो देखते हैं क्या आता है जल्दी में। जब इस तरीके से फ्लावर ग्राउंड में पड़ा हो तो आपको दो तरीके से कोशिश करना चाहिए, एक पोर्ट्रेट मोड जो आप देख रहे हैं अभी, पोर्ट्रेट मोड कभी कभी पिक्चर अच्छा आ जाता है। देखिए, पिक्चर फ्लावर ग्राउंड में जब पड़ा है तो आपका बैकग्राउंड और शेडो और ब्लू आर अच्छा नचाना चाहिए क्योंकि ये बहुत मायने रखता है पिक्चर के लिए। और दूसरा तरीका है लैंडस्केप मोड के लिए, क्योंकि लैंडस्केप मोड भी पिक्चर के लिए अच्छा है, कभी दूर कभी पास करके देखना चाहिए कौन सा पिक्चर अच्छा आ रहा है।
क्या मिल गया। ये फ्लावर बहुत ही बढ़िया दिखता है, और यहाँ पर ये फ्लावर है, मैंने इसको काफ़ी दिनों पहले इंटरनेट पे पिक्चर देखा था, मतलब मुझे पता नहीं था ऐसा फ्लावर यहाँ पर है, तो मुझे एक सब्जेक्ट और बैकग्राउंड भी अच्छा मिला। फ्लावर है और बैकग्राउंड में ऐसा ब्लूर रहेगा, तो दिखाता हूँ, ये फ्लावर है ऐसा रहेगा तो बहुत अच्छा आएगा ब्लूर में, तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर जो था मैं क्या बोलूँ, दिखाया थोड़ा बहुत, और मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ड्यूटी है मेरा, तो मुझे जाना पड़ेगा। जगह बहुत बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा है, तो चलते हैं आज के लिए, टाटा। और मैंने और भी टाइम मिलेगा तो बाद में मैं शो करूँगा कुछ आइडिया, अभी लाइट भी नहीं आया, देखते बाद में। ओके तो टाटा आज के लिए यहीं तक, और ओके भाई एक चीज़ देखोगे, देखो कुछ आ रहा है, हाय, ओ भाग रहा है, टाटा। चीज़ दिखाता हूँ, तमिलनाडु का फेमस, पता नहीं देख पाओगे क्या, ये देखो पीकॉक, हाय, चलो छोड़ो।